पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। बोर्ड की दसवीं की कक्षा की स्थगित परीक्षाएं संपन्न, स्थानीय प्रशासन ने बोर्ड ने ली राहत की सांस। और एकेएच के फीमेल वार्ड से चोरी हुआ रोगी परिजन का मोबाइल, सुरक्षाकर्मी के हत्या चढ़े मोबाइल चोर की लोगों ने की धुनाई। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया। अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। विरोध मार्च से पहले सभी कार्यकर्ता शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए। यहां पर सभी ने एक कार को रस्सी से खींचना शुरू किया, साथ ही एक बाइक को बैलगाड़ी पर रखते हुए आगे बढ़े। मार्च शुरू हुआ लोढ़ा सर्किल एमजी ग्रुप के सामने बीएल टावर सिटी सिनेमा होते हुए कंचन पेट्रोल पंप के यहां जाकर संपन्न हुआ। मार्च में शामिल कार्यकर्ता व पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं। और विधानसभा युवक कांग्रेस ने हमारे अजमेर जिला युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो ये 27-28 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि देश में हमारा एक विश्व इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको अभी भी हमारे इनकम टैक्स लगाने की लगी हुई है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और इन्होंने दिन 27वां दिन हो गया आज जो पेट्रोल के दामों में प्रतिदिन, और देश आज़ाद होने के बाद ये जब से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का ये जो बिक्री हुई है जिसमें पहली बार दोनों की बराबरी हुई है रेटों की, इसके खिलाफ हमने ये मोटरसाइकिल जो घसीट कर धक्का मार रैली और चार पहिया वाहनों को धक्का मार रैली और रस्सी से खींचना बैलगाड़ी पर ये दुपहिया वाहन को मृत लेटाकर उनकी लाश यात्रा निकाली। शहर के गोविंदपुरा जालिया रोड पुराना बाईपास रोड पर मंगलवार अल सुबह 4:30 बजे करीब एक अनियंत्रित कार एक दुकान के बाहर रखे मिट्टी के केलों से बने ढेर में जा घुसी। हादसे में कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब आधा घंटे बाद हादसे की जानकारी के बाद सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा मय पुलिस कर्मियों के मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई तथा दो युवक कार में ही फंस गए, जिन्हें हाथों हाथ निकालना मुश्किल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को बाहर निकलवाकर उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती करवाया। उधर सूर्योदय के बाद पुलिस ने आसपास के युवकों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाकर एकेश मोर्चरी पहुंचाया। मृतकों की पहचान विकास नगर निवासी दिनेश पुत्र सुगन चंद रेगर के रूप में हुई है। घायल युवक भी विकास नगर निवासी पवन पुत्र गोपाल सिंह रावत है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त मंगलवार सुबह अपनी कार में सवार होकर जयपुर रोड बाईपास पर एक पार्सल लेने गए थे। पार्सल लेकर वापस लौटते समय कार ओवर स्पीड हो गई तथा अनियंत्रित होकर श्रीराम ट्रेडर्स के बाहर मिट्टी के केलों के ढेर में जा घुसी। अल सुबह घटित हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया, साथ ही पूरे विकास नगर में हाहाकार मच गया। लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। उधर सिटी थाना पुलिस ने मृतक दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। कोरोना संक्रमण के चलते अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला चातुर्मास कार्यक्रम इस वर्ष सरकार की गाइडलाइन की पालना में रद्द कर दिया गया है। संत केवलराम महाराज ने बताया कि रामद्वारा में विगत 160 वर्षों से भक्ति की धारा अविरल बह रही है, लेकिन महामारी के चलते तथा सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए रामद्वारा में चातुर्मास के दौरान होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है। संत ने सभी श्रद्धालुओं से संक्रमण से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहते हुए सभी उत्सव मनाने का आग्रह किया है। संत ने बताया कि रामस्नेह संप्रदाय के विद्वान संत गोपाल राम महाराज का चातुर्मास इस वर्ष सागवाड़ा डूंगरपुर में होगा। इस मौके पर मंगलवार को महाराज को सागवाड़ा के लिए विदा किया गया।
इस दौरान संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि सत्संग, सेवा, व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के चार महीनों को सनातन हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह माह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत मंगलवार को शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरिया दोयम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य एवं कोविड 19 चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के चौहान तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसिम मोहम्मद ने अपनी सेवाएं दी। शिविर प्रभारी डॉक्टर के चौहान ने बताया कि शिविर के दौरान गर्भवती माताओं तथा शिशुओं का टीकाकरण किया गया, साथ ही गर्भवती महिलाओं को विटामिन की गोलियां निःशुल्क दी गई। इस दौरान उपस्थित सभी को कोरोना संक्रमण के बारे में बताते हुए बचाव के लिए अपनाए जाने वाले उपायों से अवगत कराया गया, साथ ही आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित शिविर के दौरान सोमाणी कॉलोनी तथा कुमावत कॉलोनी के 50 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। हमारे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की तरफ से ये स्कीम है, तो इसमें क्या है कि जो एरिया हमारी पीएससी के उसमें आता है पर वो हमारी पीएससी पे नहीं पहुंच पाते हैं, उन ग्रामीणों को लाभ देने के लिए आउटरीच कैंप का वो आयोजन किया जाता है। इसमें ये हम अलग अलग एरिया में लगाते हैं, जो जिस एरिया के पेशेंट हमारे पीएससी पे नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ये सुविधा है। पर इसमें ये अभी ये फतेहपुरिया दोयम पीएससी विस फाउंडेशन के उस पर पीपीपी मोड पर चल रही है। इसके अलावा हम हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। हेल्थ एजुकेशन का मतलब कि भाई के क्या खाने से खून की वृद्धि होती है, क्या डायबिटिक को क्या नहीं खाना चाहिए, उसको उसकी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, डायबिटिक की जनरल आदमी की डाइट कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की हम स्वास्थ्य शिक्षा भी इस कैंप में देते हैं। और इस कैंप में हम एक चिकित्सक, एक मैं चिकित्सक हूँ, इसके अलावा हम एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जैसे ये दंत रोग विशेषज्ञों को हम बुलाएं, इनकी सेवाएं भी पब्लिक में निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा हमारे साथ में हमारी पूरी टीम होती है, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ होता है, एक फार्मासिस्ट होते हैं, बाकी एएनएम और आशाएँ सभी होती हैं। आशाएँ फील्ड में जा करके सारे जितने भी पेशेंट होते हैं घर घर जा करके उनको लाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक दिन पहले हम इसका प्रचार भी कराते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट भी करवाते हैं। कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन के बाद स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं मंगलवार को संपन्न हुई। मंगलवार को परीक्षार्थियों ने गणित विषय की परीक्षा दी। उधर परीक्षार्थियों ने अपना अंतिम पर्चा देकर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विषय परिस्थितियों में भी परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन कर राहत की सांस ली। मंगलवार को परीक्षा के दौरान शहर के सभी केंद्रों पर विशेष सतर्कता तथा सावधानी बरती गई। विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद तथा हाथ धुलवाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए एक कक्ष में 15 से 16 बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई। परीक्षा समाप्ति के बाद भी शिक्षकों ने विशेष सतर्कता बरतते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में रुकने के बजाय सीधे घर के लिए रवाना किया। मालूम हो कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से शेष परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भी परीक्षाएं रद्द करने का दबाव था। इस हेतु एक जनहित याचिका भी न्यायालय में दायर की गई थी, लेकिन एन वक्त पर दायर की गई याचिका को न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में बोर्ड के समक्ष इतनी बड़ी परीक्षाओं को संपन्न करवाना एक चुनौती थी। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए बोर्ड अधिकारियों तथा शिक्षकों ने इसे शांतिपूर्ण संपन्न करवाते हुए एक मिसाल कायम की है। प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से कोविड 19 संक्रमण बचाव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए संक्रमण से बचाव के लिए शपथ दिलवाई जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम कोर्ट, तहसील परिसर, सिटी थाना तथा न्यायालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी स्थानों पर उपस्थित अधिकारियों को फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में एसडीएम जयेश संधू, थानाधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा, तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, अधिवक्ता सुनील कौशिक, दिलीप गौरा, रविंद्र, शैलेंद्र, नितेश वर्मा आदि शामिल थे। इस मौके पर प्रेरणा फाउंडेशन के संस्था प्रधान सुलक्षणा शर्मा, रजत चौहान, कौशल्या, ज्योत्सना, आशा, रामकन्या नागोरा, विष्णु पंवार, माया चौहान, राजकुमार तंवर तथा निशा पाराशर आदि उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करते हुए प्रोविजन प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया के तहत सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के 2019 विद्यार्थियों ने प्रवेश शुल्क जमा करवाया है। अब आगामी अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। स्नातक प्रवेश के नोडल प्रभारी प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात ने बताया कि अब 2272 में से 2019 विद्यार्थी अपना शुल्क प्रवेश शुल्क जमा करवा दिया है। अब दोनों ही कक्षाओं में मिलाकर 253 का प्रवेश शुल्क जमा होना शेष है। प्रोफेसर काठात के अनुसार स्नातक द्वितीय वर्ष कला वर्ग में 514, वाणिज्य में 334, विज्ञान बायो में 76, बायो में 125, ऑनर्स इतिहास में 18 तथा भूगोल में 31 अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा करवा चुके हैं। तृतीय वर्ष कला में 427, वाणिज्य में 265, विज्ञान गणित में 77, बायो में 123, ऑनर्स इतिहास में 18 तथा भूगोल में 11 अभ्यर्थियों ने प्रवेश शुल्क जमा करवाया है। प्राचार्य प्रोफेसर सुप्रतीक पाठक ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करवाने का एक अवसर और प्रदान किया गया है। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशानुसार 15 जुलाई तक प्रवेश शुल्क जमा करवाया जा सकता है। मालूम हो कि मंगलवार को फीस जमा कराने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन ने बताया गया कि अभी तक कई विद्यार्थी फीस जमा नहीं करवा पाए हैं, जबकि मंगलवार को ही ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है। पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वेंकटेश जांगीर, सचिन सिंह भदौरिया, गजेंद्र सिंह रावत, पुष्पेंद्र साहू, मोहित सोडा तथा राधेश्याम आदि शामिल थे। सदर थाना क्षेत्र के रानी सागर चौराहे के समीप स्थित गैलेक्सी होटल के यहां सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाश को एकेएच मोर्चरी लाया गया तथा लाश को एकेएच मोर्चरी में रखवाया गया। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के अनुसार लाश के दाहिने हाथ पर हिंदी में निर्मल नामा लिखा हुआ है एवं मृतक की लंबाई 5 फीट 8 इंच, उम्र लगभग 30 से 35 साल व शरीर पर लंबे काले बाल, मुंह पर काले रंग की मूछें एवं फ्रेंच कर दाढ़ी है। मृतक ने काले रंग की पैंट एवं स्लेटी कलर का चूड़ीदार शर्ट व आसमानी रंग की अंडरवियर पहन रखा है। रेड जीन का बेल्ट जिसके बकल पर LAURL लिखा हुआ है। दाहिने पैर व सिर के दाहिनी तरफ ताजा दुर्घटना की चोट लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम मृतक की शिनाख्त भीलवाड़ा जिले के बीलिया गांव निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक मंद बुद्धि था तथा एक महीने पहले घर से निकला हुआ था। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया तथा संभवतया बुधवार को परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। राज्यसभा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन सरवटे सोमवार देर रात को ब्यावर पहुंचे। वे जयपुर से जोधपुर जाते समय कुछ देर के लिए कॉलेज रोड स्थित विपिन जावा के निवास पर ठहरे। अल्प प्रवास के दौरान स्थानीय वाल्मीकि समाज की ओर से उनका साफा में माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरवटे ने कहा कि समाज की सेवा करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उन्हें पद की कतई लालसा नहीं है। सरकार उन्हें कोई पद दे या नहीं, फिर से उनकी ओर से सेवा का कार्य निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने उपस्थित समाज बंधुओं को संगठित होकर अपने हकों के लिए लड़ना तथा वंचित व कमजोर वर्ग की सहायता करने का आह्वान किया। अल्प प्रवास के बाद सरवटे जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गए। स्वागत करने वालों में ब्रजराज डुलगज, सुरेश राज पंडित, बुद्धि प्रकाश तंवर, विकास घावरी, राहुल पंडित, कन्नी परिहार, बंटी गुजराती सहित अन्य समाज सदस्य शामिल थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के झप्पा नगर निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार सर्वे कर रही है। इस दौरान टीम के सदस्य लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ साथ कोरोना सैंपल्स भी एकत्रित कर रही है। सर्वे के दौरान लिए जा रहे सैंपल्स को जांच के लिए अजमेर भिजवाया जा रहा है। मंगलवार को झप्पा नगर क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन कौशल श्रीमाली, ब्रजेश मसीहा, चंदन सिंह, डॉक्टर कंचन, पंकज कृष्ण तथा विमला आदि सर्वे कर रहे थे। इसी प्रकार शहर के साकेत नगर क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन ने पूर्व पार्षद एडवोकेट प्रकाश परिहार को संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री पद पर नियुक्त किया है। विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता खोखर द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में परिहार को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की है। परिहार की नियुक्ति पर संगठन सदस्यों तथा उनके शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए श्रीमती खोखर का आभार जताया है।
उपखंड के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मोबाइल चोरी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण दिनों दिन अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चिकित्सालय में भर्ती रोगी का मोबाइल चोरी होने का मामला आया है। जानकारी के अनुसार चंदा रोड स्थित श्री हॉस्पिटल के सामने रहने वाली मुमताज बेगम पत्नी मुबारक अली की सोमवार शाम को अचानक तबीयत खराब होने पर उसे राजकीय अमृत कौर अस्पताल के फीमेल वार्ड में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि शाम के समय मुमताज अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर पलंग पर लेट गई और इस दौरान उसकी आंख लग गई। इस दौरान एक युवक वार्ड में घुसा और घूमते घूमते मुमताज के बेड के पास पहुंचा और नजर चुराकर मोबाइल लेकर भागने लगा। इस दौरान पास के पलंग पर भर्ती मरीज के परिजनों की नजर उस युवक पर पड़ गई। नजर पड़ते ही उसने हल्ला मचा दिया। इस दौरान मोबाइल चोर तेज गति से भागते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचा तो वहां खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा गार्ड द्वारा मोबाइल चोर को पकड़ने की जानकारी मिलते ही आसपास के ट्रॉली में तथा एम्बुलेंस चालक भी मौके पर एकत्रित हुए तथा चोर की धुनाई कर दी। साथ ही चोर की जेब से वार्ड से चुरा कर लाए करीब 25,000 रुपए कीमत का मोबाइल बरामद करते हुए उसे सिटी थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान अमरीका बाड़िया निवासी दीपक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक अक्सर अस्पताल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उधर सिटी थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर सो रही थी, जो यहाँ पे मोबाइल चार्ज में रखा था, जो आके कोई क्या होता, कोई लड़का आया था जो आके और ये मोबाइल लेके चला गया, भग के गया। तो उसमें फिर बाद में हमें पास वालों ने आके उन्होंने कहा ताकि वो मोबाइल लेके गया। जितने हमारी आँख खुली तो वो एकदम फिर पैसेंजर सारे भागे और उसको पकड़ के फिर मोबाइल वापस लिया। शहर के दयानगर स्थित श्री महाकाली कैला देवी मंदिर में विगत दो दिनों से चल रहे 12वां वार्षिकोत्सव के तहत सोमवार शाम को मंदिर परिसर में महाआरती व कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाआरती के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां कैला देवी से देश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। महाआरती के दौरान मुख्य उपासक लाला भाई शांति देवी, पन्नालाल कौशल्या देवी, बाबूलाल रानी, शिव प्रसाद शर्मा, आयशा शर्मा, शैलेन्द्र सागर, सीता देवी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। रावल के न्यू तानसेन स्टूडियो पर बाजूदार बंगड़ी के बाद बन्ना जब सामने आवे राजस्थानी गीत की रिकॉर्डिंग हुई है। अनुसूर्या पंवार द्वारा लिखित इस गीत को अनुसूर्या पंवार और जीत कुमावत ने गाया है। उक्त गीत फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक कंपनी जी म्यूजिक राजस्थानी के यूट्यूब चैनल पर धूम मचाएगा। गीत की कम्पोजिंग और साउंड रिकॉर्डिंग जीत कुमावत ने ही की है। कुमावत ने बताया कि इस बार इस गीत में राजस्थानी संस्कृति के साथ में कुछ नया भी सुनने को मिलेगा। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावरखंड की ओर से जून माह में विद्युत चोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 361 मामले पकड़े हैं, जिनके खिलाफ करीब 90 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। निगम की यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही, जहां 7 मामले पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ भी करीब 1.5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम की ओर से अब तक करीब 30 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि निगम की ओर से लॉकडाउन के दौरान शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोग विद्युत चोरी करने में जुट गए थे, जिनके खिलाफ सख्त अभियान चलाकर जून माह में अंतिम दिन तक 361 मामले विद्युत चोरी के पकड़े हैं। विद्युत चोरों के खिलाफ VCR भरकर 90 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। निगम की इस कार्रवाई से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। मंगलवार अल सुबह टीम की ओर से मसूदा डिवीजन के ग्राम लूलवा, शिवपुरा घाटा, भावना कैसा का बाड़िया, खीमपुरा, मसूदा तथा देवमाली गाँव में दबिश दी गयी।
रावत सेना के संस्थापक महेंद्र सिंह रावत ने सांसद दिया कुमारी को एक पत्र भेजकर जवाजा पंचायत समिति के समस्त 46 ग्राम पंचायतों को डार्क जोन से मुक्त करवाने की मांग की है। सांसद को भेजे गए पत्र में रावत ने बताया कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति की सभी 46 ग्राम पंचायतों को 2017 के सर्वे में डार्क जोन में घोषित कर दिया गया था। अगर इस जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्ति मिलती है तो इस क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदे जा सकते हैं, जिससे क्षेत्र के किसान भाइयों को खेतों की सिंचाई में आसानी होगी, साथ ही किसानों को इस गंभीर समस्या से निजात मिलेगी। इसी प्रकार रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एफसीआई गोदाम के पास सुंदरी मालदेव की ओर से जाने वाले बंद कट को भी आमजन की सुविधा के लिए पुनः खुलवाने की मांग की है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। बोर्ड की 10वीं की कक्षा की स्थगित परीक्षाएं संपन्न, स्थानीय प्रशासन ने बोर्ड ने ली राहत की सांस। और एकेएच के फीमेल वार्ड से चोरी हुआ रोगी परिजन का मोबाइल, सुरक्षा कर्मी के हत्या चढ़े, मोबाइल चोर की लोगों ने की धुनाई।